नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं मनी नाइन झटपट। अगर आप भी उन लोगों में आते हैं जिन्हें कारोबारी या प्रोफेशनल या किसी दूसरे तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, तो 1 जुलाई से अब इस पर टैक्स लगेगा। ये टैक्स TDS की शक्ल में होगा और आपको इस तरह के बेनिफिट्स या परक्विजिट्स देने वाले को 10% टैक्स इस पर काटना होगा। इसमें एक शर्त यह है कि इस तरह के फायदे 1 साल में 20,000 रुपये से ज़्यादा के हों, यानी इस सीमा से ऊपर होते ही इस तरह के फायदे देने वाले को 10% TDS काटना होगा। इन बेनिफिट्स पर TDS लगाने के लिए 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट में सरकार ने एक नया सेक्शन यानी 194R या 194R भी कह सकते हैं, इसको जोड़ा था। अब 16 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी CBDT ने इस पर डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी कर दी है। टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये बेनिफिट्स कैश या सामान या इन दोनों के मिक्स तौर पर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टरों को शेयर अलॉट करती है या कार मुहैया कराती है या किसी कॉन्फ्रेंस की ट्रिप मिलती है या फिर कोई कारोबारी ट्रिक देती है, तो इस पर भी उसे TDS काटना होगा। दरअसल पिछले कुछ वक्त से सरकार में इस बात को लेकर चिंता थी कि लोगों को मिल रहे बेनिफिट्स पर कोई टैक्स नहीं चुकाया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी कमलेश वाशने ने हाल ही में कहा था कि लोगों को कारोबारी और प्रोफेशनल कामकाज में बेनिफिट्स और परक्विजिट्स मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी इन पर टैक्स तो चुका ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा था कि इसी वजह से सेक्शन 194R पेश किया गया है। इस नए सेक्शन को लेकर कारोबारी जगत में भी कई तरह के सवाल थे। अब CBDT ने इसका विस्तृत ब्यौरा जारी कर दिया है। अक्सर डॉक्टरों की दवाओं को जो है वो उन्हें मुफ्त में मिल जाती है, यही नहीं कंपनियां डीलरों को फ्री फॉरेन ट्रिप हॉलीडे पैकेज भी देती है, तो कई दफ़ा IPL के टिकट भी या फ्लाइट टिकट्स भी दिए जाते हैं। तो इन सबको भी अब 194R में देखा जाएगा और इस पर TDS लगेगा। हालांकि नए प्रोविजन कस्टमर्स को दिए जाने वाले सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या रिबेट्स पर लागू नहीं होंगे, लेकिन इनसे हटके अगर कोई इंसेंटिव ऑफर किया जाता है तो वो TDS के दायरे में आएगा। मिसाल के तौर पर इनमें TV, कार, कंप्यूटर, गोल्ड कॉइन, मोबाइल फ़ोन, स्पॉन्सर ट्रिप जैसे फ़ायदे शामिल होंगे। उम्मीद है ये खबर आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी9 के साथ।